हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल डू इट योर सेल्फ बडी। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ। वायरलेस ये नेक बैंड है, रियल मी ब्लूटूथ वायरलेस इसका नाम है। ये लगभग मार्केट में आपको 1800 रुपये का मिलता है, जिसका एक साइड काम नहीं कर रहा है। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कैसे बनाना है। बहुत इजी है, आप घर बैठे बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वारंटी में है तो नो डाउट आप किसी सर्विस सेंटर में दे सकते हैं, लेकिन मैं जनरली प्रेफर नहीं करता क्योंकि सर्विस सेंटर बहुत टाइम लगाते हैं। तो आज ये मेरे पास आया है बनाने के लिए, देखते हैं इसे बना के कैसे क्या करना है। इसे एक साइड से काम नहीं कर रहा है तो नो डाउट इसकी दिक्कत यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होगी। पहले हम विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे इसमें कहाँ पे। दोस्तों सबसे पहले तो यार आप लोगों को बोलना है, प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। आप लॉकडाउन में घर में बैठे ये चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे लिए थोड़ा मुझे हेल्प करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए आपको बताता हूँ। इसका एक साइड है जो ये बिल्कुल ठीक है और ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने इसे देखा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये कटा हुआ है, ठीक है। अब कटा हुआ है तो नो डाउट वायर से यहाँ पे कटे होंगे। अब इसको बदलना होगा, लेकिन बदलना दोस्तों इतना आसान है नहीं जितना ये दिख रहा है। कोशिश करते हैं, देखते हैं, चलिए हम बताते हैं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता। चलिए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो इसे हमें ओपन करना पड़ेगा, इसके बट को निकाल देते हैं, यहाँ से ओपन करना पड़ेगा इसे। ओपन करने के लिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, चलिए आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप पहले रखे ना फिर ढूंढते ना फिर आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सोल्डरिंग आयरन का पूरा ये किट आता है आपका, बहुत सस्ता मिलता है, इसे ले लीजिए, बहुत चीज़ों में काम आता है। फिर आपको ये चिमटी लेनी होगी, बस ये तो बढ़िया है, नहीं है तो आप सीजर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्लायर लेंगे, प्लायर में आपने मैंने देखिए ऐसे रबड़ लगाया हुआ है ताकि ये होल्डर का काम करे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप पहले से रखिए, ठीक है। उसके बाद बस आपका इतना सा ही काम ये करके आप डायरेक्टली इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करके दिखाता हूँ। आप एक ब्लेड भी रखें, एक वेस्ट ब्लेड होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आप गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, इसकी ये लाइन है, ये लाइन पे आपको गड़ाना है इसे, गौर से देखेंगे, हाथ ना काटे, और पूरे तरफ घुमाना, आप देख सकते हैं फंसा हुआ है, ठीक है, इसे घुमाना है। घुमाने के बाद में आप इसे पूरा थोड़ा सा हर तरफ से ढीला करेंगे, ठीक है। ढीला करने के बाद में आपके पास सीजर हो या नाइफ हो, चाकू हो, उससे आप यहाँ पे जहाँ पे आपने ढीला किया था हल्का सा रखेंगे और इसे पुश करके यहाँ से हल्का सा गड़ा देंगे वहाँ पे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, टूटे ना ये, ठीक है। तो ये ढीला हो जाएगा और ढीला होने के बाद हम इसे आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए आसानी से निकल गया। देखिए अब इसका कैसे ये बनाया गया है आप ये देखिए, ये लेफ्ट साइड का वर्क नहीं कर रहा, ये आपको दिख रहा है इसका एक कवर है, इसके अंदर से वायर आया हुआ है और तार टूटा हुआ है यहाँ पे। तो कैसे करें हम, चलिए इसका भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे निकालना होगा। अब देखिए हम इसे बनाना ही है तो क्यों ना हम इसे अलग ही कर दें। अब ये काम आएगा सीजर, ये इसे मैं पूरा ही अलग कर देता हूँ, ठीक। ये अब आ गया मेरे सामने, अब इन चीज़ों का कोई काम नहीं है, अभी इसे अलग करते हैं। अब इसे किसी भी तरीके से निकालना है हमें, चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा है ये, क्या है ये। देखिए कुछ नुकीली सी चीज़ लीजिए, मैंने चिमटी ली है, इसे गड़ा के निकालने की कोशिश करता हूँ। वो ये बहुत ही हार्ड है, इसे हार्ड है तो फिर अपन को थोड़ी मेहनत तो लगेगी, ठीक है। देखते हैं इसे सबसे पहले तो मैं यहाँ रखता हूँ, प्लायर अपने पास है ही, देख पा रहे होंगे आप, इसे इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है, लेकिन गलती इन्होंने क्या कर दी कि यहाँ का लूज तो हो गई, यहाँ कुछ और मजबूत करना था। 1800 रुपये में आपको इतना प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए। देखते हैं इसे खोल के, ये देखिए आप, ये घुस गया, देखिए आप क्या करना है, इसे हल्का हल्का हटाइए इसे,
वायर निकालना है मुझे, ऐसा कुछ करना है। थोड़ा सा ही खोखला करूंगा इसे मैं। एक काम करता हूँ, इसे भी मुझे चेंज ही करना है पूरा वायर ही, इसे भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ताकि आसानी हो। ये इसे भी अलग कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे इतना होल करना है कि जितने में मैं अगर अभी नया वायर डालूंगा उसका, तो वो मैं पकड़ के आसानी से बना सकूँ। बस उससे ज़्यादा मुझे नहीं करना, मुझे वेस्ट ही नहीं करना इसे। देख पा रहे हैं छेद हो चुका है इसमें, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। कोई पतली सी नुकीली सी चीज़ लीजिए जो इसके अंदर पूरा जा सके, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे ये आसानी से नहीं जा रहा, ठीक है? कोशिश करता हूँ मैं, नहीं जा रहा। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप इसको थोड़ा सा गर्म करिए, ठीक है? इससे भी थोड़ा और पतला हो तो मच बेटर है। मेरे पास और भी होगा, मैं उसे लेके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल पतला सा है। इसे हीट करना है, और हीट करके आप इसमें इसे अंदर पुश करेंगे। अंदर जब पुश करेंगे तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, इसे गोल गोल घुमाते हुए। देख सकते हैं आप, ये होल अब काफ़ी क्लियर हो चुका है। इसको इतना करना है कि नया वायर जब मैं डालूँगा तब आसानी से उसके अंदर चला जाए। पुराना वायर हम निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा ये। पूरा क्लियर हो गया, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। क्लियर हो गया है, ये भी क्लियर हो गया। इसे करने का मकसद क्या था दोस्तों? जब मैं इसे अंदर डालूंगा यहाँ पे, तो ये नया हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए ऐसा हो जाएगा। इस वायर को थोड़ा सा छील लेते हैं हम। देखिए इसको भी तरीका बताता हूँ, ये वायर जैसे ही बाहर आएगा, इतना काफी होगा। इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि इसे पूरा निकाल ले। देखिए दोस्तों, आराम से मैंने उसके जो सील थी उसको निकाल लिया,
है ना, आप भी ऐसे आराम आराम से बिल्कुल ही से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कॉर्नर कॉर्नर में आप प्रेस करते जाएंगे, बहुत आराम से करिएगा, थोड़ा लेट निकलेगा बट निकल जाएगा आराम से, ये ऐसे करके पूरा निकल जाएगा, ठीक है। और निकलने के बाद ये आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सर्किट है, एक सर्किट दिख रही है आपको इस सर्किट में। अब ये देखिए जहाँ से अपन ने निकाला था, यहाँ पे 5 वायर है। तो क्या करना है अपन को, अपना जो एक साइड का वो भी काम नहीं कर रहा था, और जो ये इसमें होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक ऑन ऑफ, ये इसी में दिया जाता है रियलमी वायरलेस बड में। जब इसको ये ऐसे जब एक दूसरे के साथ आता है तब ऑन होता है, फिर अपन ऐसे करते हैं तो ऑफ होता है। तो ये भी हम बनाएंगे इसको आज, तो आप इसमें आप समझ जाएंगे कि इसे अगर ये ख़राब हो तो कैसे बनाना है। तो चलिए चालू करते हैं, हम बताते हैं आपको कि आप कैसे करते हैं, आपको सारा बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सोल्डरिंग आयरन का काम आ चुका है। इन 5 वायर को